Hi students, hope you are doing great. Please share, comment, like, subscribe. Follow. Comment. And bell icon the banana. चलिए पढ़ते हैं. Chapter कौन सा? Kinematics. But kinematics chapter चल रहा है. ये इस फ्लोर पे पता नहीं चल रहा. फ्लोर पे कब पता चलेगा? जब हम पूरी एनर्जी के साथ बोलेंगे. ठीक है. सो 1, 2, 3 के साथ देखते कौन. मैं चेक कर रहा हूँ. 1, 2, 3 काइनेमेटिक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल भी किसी और टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है. किसी और टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है. सो लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग. ठीक है. ध्यान दे प्लीज. अब मूवमेंट बंद हो जानी चाहिए. चैप्टर 2 11th क्लास. चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स. अमन बताएंगे काइनेमेटिक्स का मतलब. काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है अमन? अमन एब्सेंट. हाँ आज विदान. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन 1D भी कह देते हैं. वन डायमेंशन 1D या फिर स्ट्रेट लाइन. अब थोड़ा सा आप सबका प्रेजेंस, ज्यादा प्रेजेंस चाहिए मुझे. लीव इट अब. प्लीज लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीथिंग. लीव इट सर. लीव इट. थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल यहाँ लेके आए. छोड़ दें सब. क्वेश्चन मैंने अभी सबके सामने पूछा. वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन कितने सेकेंड्स. डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स. तो आंसर सबका क्या आया? डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम या अपॉन टाइम? पक्का? हाँ सर. वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. आंसर क्या आ गया? क्या है सर? वेलोसिटी इज 10, टाइम इज 10, 10 इनटू 10 इज 100 मीटर. सेकेंड क्वेश्चन क्या था खुशी मैम? बहुत बढ़िया. वेलोसिटी इज टी मीटर पर सेकेंड. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. टाइम. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड नाउ इन 10 सेकेंड्स. वो सारे बच्चों ने ट्राई करा होगा. ट्राई तो सब नहीं करा होगा. डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड अब कितना होगा? गौरी मैडम अंशुमन देखिए जरा. ऑप्शन दे रहा हूं जिससे पूछो वही बताएगा. 0, 10 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर में से अंशुमन. अंशुमन ने बताया 100 मीटर. 100 मीटर इज द रॉन्ग आंसर. यदि हम पूछें गौरी मैडम ने क्या बताया? 50 मीटर. रोनित 90. ये बताओगे सर क्या नाम आपका? 10. नाम? तेजस. 10 मीटर. 10 मीटर इज द रॉन्ग आंसर. अमन 50 मेबी. जमा थी करना तो किस पे करोगे? 50 पे. आप ये क्या कर रहे हो ऐसे? हाँ योगा. योगा से. योगा से. 50 मीटर इज द राइट आंसर. मैनी स्टूडेंट्स सरप्राइज. सुने जरा प्लीज आज का टॉपिक क्या है समझते हैं जरा. प्लीज सामने आ जाओ. आज का टॉपिक है
आज का टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है आज के टॉपिक का नाम। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओगे तो समझ में आएगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कितने मार्क्स का है। जीरो जीरो फिजिक्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैथ्स में सिलेबस में है, मैथ्स में थोड़ा सा इलेवेंथ में आएगा और थोड़ा सा ट्वेल्थ में आएगा। सर कितना थोड़ा? यू विल लर्न इन मैथ्स, कुछ पार्ट इलेवेंथ में, बहुत सारा पार्ट ट्वेल्थ में आएगा। लेकिन मैथ्स में तो पढ़ेंगे बाद में, और बाय वाले बच्चे तो वहां भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे में फिजिक्स में तो यही स्टार्टिंग में नीड है। फिजिक्स में जितनी नीड है वो पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से यूज होगा, जैसे यू नो एडिशन। यू नो एडिशन कितने मार्क्स का है फिजिक्स में? जीरो। लेकिन एडिशन नहीं आता होगा तो काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरह बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा डिफरेंशिएशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह इसको भी हमें सीखना, पता होना चाहिए, तभी फिजिक्स में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी। सो जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था उसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा। वन मोर थिंग, थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन सिखाने से पहले बता दूं, ये क्वेश्चन में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाया हमने? वेलोसिटी इनटू टाइम। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? ये फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला तभी वैलिड है जब उसमें गिवन क्वांटिटी कांस्टेंट है। गिवन क्वांटिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रही है। वेरिएबल हुआ, आपने फॉर्मूला लगाया गलत हो गया। वेरिएबल हुआ तो आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक और टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। वेरिएबल आ गया तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बिना आपने ट्राई करा गलत हो गया, उसके बिना होगा ही नहीं। सो हमें वेरिएबल है और सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं, किसी भी फॉर्मूले में एक को वेरिएबल बना दो आप डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट या इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट। एक्टिव होने में टाइम लगा रहे। तो यहां पे भी सेकंड क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या है? टी। टी स्टैंड्स फॉर जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी जीरो, व्हेन टाइम वन सेकंड तो वेलोसिटी वन मीटर पर सेकंड। टाइम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी मतलब वेरिएबल है। सो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? उससे पहले डिफरेंशिएशन सीखते हैं। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कितने मार्क्स का है? जीरो। लेकिन हमें नीड है। डिफरेंशिएशन स्कूल में जब गए होंगे या जाओगे तो आपको पहले ही दिन बहुत सारे 20-25 रूल सिखा देंगे, लिखवा देंगे और बोलेंगे याद करके आना है। लेट मी क्लियर, मैं एक साथ सारे रूल नहीं लिखूंगा। हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें पहला चैप्टर नहीं, जीरो चैप्टर मैथमेटिकल टूल के नाम से है। रूल सारे वहां लिखे हुए हैं, बट मैं सिखाऊंगा क्या? जो जो यूज होते जाएंगे मैं सिखाता जाऊंगा। जो रूल जहां यूज होगा वहीं सिखाऊंगा। एक साथ सारे रूल आपसे रट्टे मरवाएं तो उससे कोई फायदा नहीं, भूल जाना है। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन का रूल नंबर क्या है सर? डिफरेंशिएशन का रोल नंबर नहीं, रूल, रोल नंबर रूल ही कह रहा हूं, रूल ही कह रहे हैं। रूल नंबर d by dx of x की पावर n क्या हुआ? इसे क्या बोलेंगे? ये सिंबल है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करना है। पावर कितनी है? n। पावर को आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो, n x की पावर n-1। दैट्स ऑल। जैसे डिफरेंशिएट करा ये सिंबल है हट जाएगा, तो सिंबल हट जाएगा। क्या करना है? पावर आगे ले आएंगे और एक पावर
कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है आर्यन सर, पक्का करें क्वेश्चन? जल्दी से बताना जरा, d by dx of x की पावर 5 नेक्स्ट d by dx of x अच्छा देखो जरा, देखो मैं बार बार कहता हूँ दिमाग नहीं कॉन्सेप्ट लगाओ, है ना। पावर कितनी है x की? 1 को आगे ले आते हैं, इनटू x की पावर क्या कर दे? 0 कम कर दे, 1 माइनस 1 0। किसी की भी पावर 0 इज 1, 1 इनटू 1 इज 1, दैट्स ऑल। ये रूल नंबर 1। जल्दी से बताना जरा, d by dt ऑफ t की पावर 3 t की पावर 2, क्लियर है? सर ये वाला दोबारा, कौन से वाला सर? पावर कितनी है? एक कम कर दूं और आगे ले आऊं, कम करके आगे लाना है ना? नहीं नहीं सर, कम पहले आगे आऊं फिर उसमें करना है ना, पावर पावर में। और आगे क्या लेके आना है? t को आगे ले, नहीं t x की जगह आएगा। हां t है तो यहां पे भी t, यहां पे भी t, डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू t, x था तो x को डिफरेंशिएट कर रहे थे, t है तो t को डिफरेंशिएट करेंगे। कितना आया पावर? कितनी है? 3 है, 3 आगे आ गया और एक पावर कम कर दी, 3 माइनस 1 2, यानी आंसर इज 3t स्क्वायर। इसी में होता d by dt of 5t, तो किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में, t का ही डिफरेंशिएशन होगा, जो एक्स्ट्रा टर्म है वो एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी, वो एज इट इज रहेगी, 5 एज इट इज, 5t नहीं है तो 5 एज इट इज रहेगा। t को डिफरेंशिएट करना है, t की पावर कितनी है? 1 आगे आएगा इनटू t की पावर 1 माइनस 1 0, दैट बिकम्स 1, 5 इनटू 1 इज 5, यानी एक्स्ट्रा कोई नंबर या टर्म आ जाए वो एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन उसी को करना है जो नीचे दिए हुआ, ये क्या है? रूल नंबर 1, पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो। नेक्स्ट इज रूल नंबर 2, डी बाय डी एक्स ऑफ 5 किसी किसके रेस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन? एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स है तो आंसर इज 0, दैट्स ऑल। यदि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और एक्स नहीं है तो 0, यदि एक्स होता तो, एक्स होता तो रूल नंबर 1 लग जाता। देखें जरा वन मोर क्वेश्चन, शिवांश सर कंसंट्रेशन लेवल गड़बड़ है। हाँ सर, ओके सर, चाय कॉफी कुछ मंगा दे? नहीं जूस पीछा। हाँ सर, सर अगर वहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में डी फाइव टी लिख देते तो क्या कर देते? डिनोमिनेटर में जैसे डी टी लिखा होता है तो फाइव टी आ जाएगा। हाँ यहाँ पे 5t लिखते थे, 5t का 1 हो जाता, फिर सिंगल टर्म बन जाती। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। देखो जरा, d by dt of d by dt of t cube plus 4t square minus 5 का डिफरेंशिएशन करना है, करें जरा, करो तीनों का, इसका अलग से, इसका अलग से, इस तीनों का डिफरेंशिएशन करो। जल्दी से नोटबुक में लिखो फटाफट, करो करो, होप सबका आंसर आ गया होगा। देखें जरा, आज बताना
पावर थ्री आगे आगे एक पावर कम कर दे, थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर एच टी स्क्वायर में पावर टू आगे आ गई, देखिए पावर वन माइनस जीरो, आंसर इज थ्री टी स्क्वायर एट टी, आंसर आ गया, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन आया यूज कहां होगा जी, डिफरेंशिएशन के हमने कितने रूल सीखे, दो रूल, बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, स्टेप बाय सिखाऊंगा क्योंकि रट्टाफिकेशन में आई डिडंट बिलीव, ठीक है, वो कितने मर्जी आप याद कर लो कल ही भूल जाना है, प्रैक्टिस में जब तक नहीं आएंगे भूलते रहेंगे बार बार, सो जो प्रैक्टिस में आएंगे वही मैं सिखाता जाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, आपने बस क्वेश्चन करने हैं। तो डिफरेंशिएशन यूज कहां होगा, देखो जरा प्लीज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है सबको, एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी रोनित टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, क्लियर है, एवरेज में क्या होगा टोटल अपॉन टोटल, सामने ध्यान प्लीज सर, इंस्टेंटेनियस, ध्यान दे प्लीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डीवी बाय डीटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डीएक्स बाय डीटी, बहुत जगह रिलेट करूंगा देखते जाओ बस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, डीवी बाय डीटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वी माइनस यू बाय टी, what is instantaneous acceleration, instantaneous acceleration is dv by dt aa jayega, instantaneous acceleration is dv by dt, ab kahan kahan use hoga dekhe, what is the formula for current charge upon time, yaad hai चार्ज अपॉन इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, ऐसे कोई भी फॉर्मूला आप बोलो उसमें इंस्टेंटेनियस जैसे ही आएगा डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्क अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी, बहुत जगह है, मैं बार बार कह रहा हूँ काइनेमेटिक्स भले ही पढ़ रहे हैं चैप्टर भले ही पढ़ रहे हैं बट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में ग्राफ का कॉन्सेप्ट सिखाया था एप्लीकेबल एवरीवेयर, सेम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रहा है, सीख रहे हैं कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, इंस्टेंट कहीं भी आ गया वी मस्ट अप्लाई, कुछ और अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, यू गॉट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dx by dt, एक्सेलरेशन v माइनस u by t बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, ऑफ यू गॉट चार्ज पक्का करें क्वेश्चन, देखो जरा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है उसके बाद मैं पहले उसी पे चलते हैं जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन रह गया था, मैंने इंट्रोड्यूस करा था वेलोसिटी कितनी है एक्स, कितनी है टी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, वेलोसिटी वेरिएबल है ना, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहां ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, फिर क्या लगेगा, इक्वेशन, इक्वेशन कौन से लगाएं डिस्टेंस निकालना है तो सबको याद नहीं लग रहा मुझे, शुभ बताना, अमन सही है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
करेक्ट है दैट इज। अब इसमें मुझे डिस्टेंस निकालना है, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सी, जब टाइम जीरो, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो इंटू टी जीरो प्लस हाफ आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ वी माइनस यू बाई टी, बट जब कॉन्स्टेंट है या तो वेरिएबल आ रही ना वेलोसिटी, यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी डी वी बाई डी टी। ध्यान है सामने डी बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू क्या दे रखी है, v की वैल्यू कितनी है टी। बताओ t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में पक्का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज a, a की वैल्यू आ गई 1, कितने टाइम में निकालना है 10 सेकंड्स में, 10 का स्क्वायर 100 कितने में कट गया 50 मीटर 50 मीटर। ये सही मायने में 11th क्लास है, ठीक है। 9th 10th क्लास तक हम सीधी सी बात पढ़ते हैं डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, बट यहां हर जगह क्या आएगा वेरिएबल बना देंगे। वेरिएबल बनाया आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया गलत हो गया, वो गलत जो होगा वो ऑप्शन में डालेंगे, ऑप्शन में डले हो ये हमें सीखना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, वेरिएबल आ गया तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट। आज डिफरेंशिएशन पढ़ रहे, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। करेक्ट क्वेश्चन होगा एस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी, आपने बोला कि आप इंस्टेंटेनियस इसीलिए निकालेंगे क्योंकि हमारा वहां पे वेरिएबल वेलोसिटी बढ़ रही, वेरिएबल है उस पे डिपेंड कर रही है इसके, ठीक है। हम इसको ग्राफ फॉर्म करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ पर ग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ग्राफ गिवन नहीं है तो दैट्स व्हाई हमने दूसरी हेल्प ले ली। करें फ्यू मोर क्वेश्चंस, होप यू गॉट कि डिफरेंशिएशन, सुन रहे हो डिफरेंशिएशन की नीड क्यों है, वेरिएबल कहीं भी आ गया तो आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लगाया तो गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएशन की नीड क्यों है वो हमने सीखा, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हमने सीखा, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दो ही रूल मैंने अभी डिस्कस करें, फर्दर रूल्स आएंगे मैं सिखाता जाऊंगा। अब डिफरेंशिएशन फर्दर कैसे यूज होगा, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखें जरा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जल्दी से बता दो जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगेन एट 2 सेकेंड्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला dx by dt, मतलब x की वैल्यू क्या है ये है, एंड इस पूरे को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर आ गया अंशुमन है, क्या सीधा आंसर है, सीट चेंज करनी पड़ेगी अंशुमन, क्या कितना आया जीरो तो नहीं आना चाहिए, कभी चेक कर लेते हैं। 13 आ रहा है, बहुत बढ़िया, कितने प्रियांश 13 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सर सामने ध्यान, 4 एजिटीज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अंशुमन सर 2t, बहुत बढ़िया, माइनस 3 एजिटीज और जस्ट भी टी का डिफरेंशिएशन 1,
प्लस फोर का डिफरेंशिएशन तेजस जीरो कितना बन गया 18 80 माइनस 3 कब पूछा हमसे 2 सेकंड ध्यान दे प्लीज ये इंस्टेंटेनियस आ गई यानी ये वेलोसिटी एट एनी टाइम आ गई ये वेलोसिटी एट एनी टाइम आ गई अब 2 सेकंड पे पूछा है तो 2 सेकंड पुट कर देंगे इनिशियल पूछा होता तो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं तो क्या करते हैं अंशुमन इनिशियल वेलोसिटी पूछते तो क्या चेंज करते इसमें टाइम की वैल्यू क्या पुट करते इनिशियल इनिशियल का मतलब टी की वैल्यू जीरो और यहां कहां पूछा है एट 2 सेकंड्स तो कितनी बनेगी 8 2 जा 16 माइनस 3 13 मीटर पर इनिशियल कह देते तो टी की वैल्यू जीरो पुट कर देते जितने टाइम पे कहेंगे उसी टाइम पे निकाल लेंगे सामने जाते प्लीज एक्सेलरेशन के लिए d by dt of v v की कौन सी वैल्यू ये नहीं इंस्टेंटेनियस वाली इंस्टेंटेनियस जो आई है कितनी है 8 t minus 3 8 as it is t का डिफरेंशिएशन तेजस हर्ष एंड अमन 1 कैसे 8,000 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0 तो ये बन गया 8 मीटर अब 2 सेकंड पे कहा है ये तो कांस्टेंट आ गया t है ही नहीं इसमें तो 2 सेकंड पे 8 1 सेकंड पे 8 ही रहेगा ये तो सेम है t इसमें इन्वॉल्वड नहीं होगा कॉपी व्हाट सो जहां कहीं भी वेरिएबल आ गया वहां हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा यू गॉट पक्का ऑल ऑफ यू 41 आर यू गेटिंग द कांसेप्ट फिर भी थोड़ा थोड़ा अटक रहे है ना अंशुमन गलत बात है सामने ध्यान प्लीज टी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बता दीजिए पहले क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे क्या फॉर्मूला dx by dt सामने ध्यान प्लीज पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे x को यहां डिफरेंशिएट करेंगे जो आएगा उसमें t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इनिशियल आ जाएगी टू ट्राई ऑल ऑफ यू फास्ट करें ट्राई प्लीज देखो जी चैतन्य सर इधर आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड नाउ ओवर देखो जरा हमें क्या कैलकुलेट करना है थोड़ा सा यही छोटे छोटे पॉइंट सीखने होते हैं आपको कॉन्सेप्ट आता है फिर भी मिस्टेक होती है उसका रीजन क्या है ध्यान प्लीज सामने ध्यान हमसे कहा वी निकालो इनिशियल वी यानी वी निकालेंगे तो डीएक्स बाई डीटी में किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की क्या एक्स की वैल्यू गिवन है नो हमें रूट एक्स गिवन है ध्यान दे प्लीज तो यहां से पहले हम क्या करेंगे अंडर रूट एक्स क्या आएगा टी माइनस 3 बट हमें तो एक्स चाहिए रूट एक्स नहीं चाहिए रूट कैसे हटाओगे स्क्वायरिंग बोथ साइड यू नो दैट स्क्वायरिंग तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और इधर आ जाएगा टी माइनस 3 का स्क्वायर क्लियर है t माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ रक्षित t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16 ये आ गया ये सामने ध्यान कुछ बच्चों का नहीं है पर तभी मिस्टेक हो रही है यहां चलते हैं अब d बाय dt ऑफ x x की वैल्यू हमने पुट की t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16 इक्वल्स टू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 9 का 0 माइनस 6 t का डिफरेंशिएशन 1 तो v आ गया 2t माइनस 6 हमें कब बताना है एट t इक्वल्स टू 0 t
टी जीरो पुट कर दें तो जीरो हो जाएगा, माइनस सिक्स मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव हो सकती है। क्वेश्चन देखो, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। वो हमने सीख लिया, इसका डिफरेंशिएशन मोस्टली बच्चों ने कर दिया है, लेकिन ये आया कहां से, वहां अटक गए। हमें यही तो बात सीखनी है। अब यहां से आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, यहां से x कैसे निकाल लेंगे, तो 10th की बात है, 11th में फिजिक्स कुछ भी नहीं है। ये हमें गिवन है, इससे x निकालना है, रूट कैसे हटाओगे, ये 10th क्लास की बात है। इसमें 11th फिजिक्स तो है नहीं, मैथ्स है, कैलकुलेशन हमें आना ही चाहिए, जब प्रैक्टिस करो ताकि वो आ जाए, नहीं आता है तो। यहां से x निकाला, सॉल्व कीजिए फॉर द आंसर। शुड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर ले क्वेश्चन और। सरप्राइजिंग जी मेंस का क्वेश्चन है, एक नीट का क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है ना, एक नीट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, देखें जरा। x equals to 40 plus 12t minus t cube. 40 plus 12t minus t cube. Distance covered before coming to rest. Distance covered before coming to rest. Rest का मतलब? Rest का मतलब velocity becomes zero. तो पहले क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, उसमें जीरो कब, उसको जीरो पुट करके वो टाइम निकाल लेंगे, जीरो कब होगी वो निकाल लेंगे। तो पहले काम क्या है, वेलोसिटी कैलकुलेट करो, क्या होगी, dx by dt करो, जल्दी से सॉल्व करो, वेलोसिटी बताओ, सॉल्व करो, डू फास्ट, हो इतनी देर में तो आंसर आ गया होगा। 12 minus 3 ऐसे क्यों कर रहे थे, गुस्सा आ रहा था। देखो हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन सबको आ गया, इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करना है, लेकिन अटकेंगे कहां, लैंग्वेज में। शुड आई से इंग्लिश नहीं आती आपके सामने, इस लैंग्वेज में उलझेंगे, वो लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं। सो अब स्टार्ट हो रही इंग्लिश की क्लास है ना, क्योंकि फिजिक्स का डिफरेंशिएशन आज का टॉपिक हो गया, और एक्स्ट्रा फीस नहीं है कोई भी इंग्लिश का। वेलोसिटी आ गई, थोड़ा सा भी, बस एक वर्ड भी इधर ना, इधर नहीं, बस जिन्हें जो हाथ में पेन होगा मैं सबमिट कर लूंगा। वेलोसिटी कैलकुलेट की, लैंग्वेज ने कहा डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, रेस्ट में आने तक मतलब वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ये जीरो कब होगी, मतलब इसको जीरो पुट कर दें, पहले वेलोसिटी निकाल ली, फिर जीरो कब होगी, यानी इसको क्या लिख दें, जीरो इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर इधर आएगा, 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो t स्क्वायर की साइलेंस एवरीवन, t स्क्वायर को क्या लिखते हैं मैडम, क्या नाम है आपका, रिया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, कैसे कैसे क्या, डिवाइड करना नहीं आता, 12 डिवाइडेड बाय 3, आया रियल समझ में, और ही समझ में आ रहा है। तो t कैसे निकाल लेंगे, स्क्वायर कैसे हटाओगे, बाय स्क्वायरिंग, दस स्क्वायर कर दे, तो t हो जाएगा 4 का अंडर रूट, यानी कितना, 2 सेकंड। इससे देखो लैंग्वेज में कहां उलझ रहे हैं, आज का फिजिक्स का जो टॉपिक है वो यहां खत्म हो गया। बिफोर कमिंग टू रेस्ट कहा हमने, रेस्ट पुट कर दिया, वेलोसिटी जीरो पुट कर दी, तो हमें पता चला कि रुकने में उसे 2 सेकंड लगेंगे,
रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा? दो सेकंड लगेंगे। दो सेकंड में जितना भी डिस्टेंस कवर होगा वही ये है, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, तो क्या पुट कर दें, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, कितना डिस्टेंस 46 प्लस 12 इनटू टी की वैल्यू 2 माइनस 8 2 की पावर 3 कितना आ गया जी 56 मिनट। 40 प्लस 24 माइनस 8 बिकम्स 56 मीटर। तन्मय सर राइट आंसर, रॉन्ग आंसर। चार ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में, वन इज 40 मीटर, सेकंड इज 56 मीटर, थर्ड इज 16 मीटर एंड नेक्स्ट इज 66 मीटर। ए बी सी डी, एक ऑप्शन तो मैंने क्लियर कर दिया है आप सबको कि 56 तो रॉन्ग है। क्या बचा? 40 आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन हमसे तुरंत हो गया, बाकी बचा क्या है, इंग्लिश, उस लैंग्वेज को समझना है। मैं पहुंच रहा हूं आपके आंसर तक। नीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट आप लैंग्वेज को कैच नहीं कर पाए तो अटक गए। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में उलझा दिया। समझते हैं जरा, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स, दो सेकंड बाद रुक जाएगा। 2 सेकंड का मतलब कौन सा, 10 से 12 या 4 से 6 या 0 से 2, कौन से 2 सेकंड? 0 से 2 ये है एंड एट टी इक्वल्स टू 0 से 2 होगा ना, तो टी इक्वल टू 0 पे कहां है, 0 पे, क्या वो 0 पे है? टी की वैल्यू 0 पुट कर दूं, यहां 0 पुट कर दें तो क्या बचेगा 40 मीटर। होप यू आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, मतलब ये ओरिजिन मान लें, ये एक्स एक्सिस है, तो टी इक्वल टू 0 पे कहां है 40 मीटर पे है एंड 2 सेकंड पे कहां है 56 मीटर पे है। डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मतलब है 0 से 2 सेकंड तक कितना डिस्टेंस होगा, 0 पे यहां था और 2 सेकंड पे यहां है, तो आंसर क्या हो गया जी 16। ये होगा डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच इट इज, होप यू गॉट, अब समझ में आया होगा 16 मीटर। यही डिफरेंस सीबीएसई और एंट्रेंस में है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि भले नीट में आया है डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज को कैच करना है, वो लैंग्वेज और याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। आज का टॉपिक वाज डिफरेंशिएशन है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड इज 100 मीटर। सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, कितना 50। ठीक है, कैसे आया समझ में आया, क्या लगा, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए निकाला पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई डीटी से, ठीक है, वन आ गया। उसके बाद हमने रूल नंबर 1 क्या था स्वाति मैम, रूल नंबर 1, पावर आगे ले आओ और एक पावर कम कर दे बढ़ा दे, बढ़ा दे माइनस। रूल नंबर 2 रोनित बताएगा, रूल नंबर 2 जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे वो नहीं है तो आंसर जीरो। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, लाइक एंड द लास्ट वन इज दिस वन, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सुने जरा प्लीज। एच डब्ल्यू ज्यादा रखूं कम रखूं,
से क्या सर पीडीएफ अवेलेबल करा दो।